हनुमान प्रसाद जो है हमारे लेसन का नाम गोभी का फूल। गोभी का फूल बोले तो एक वेजिटेबल्स है, कैलीफ्लावर बोलते हैं उसको, गोभी का फूल बोलते हैं। अब क्या है तो उसी के बारे में, अब सब्जी हम लोग के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अब हनुमान प्रसाद क्या है तो जैसा विशद ज्ञान उनको है वैसे ही पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकट के बारे में भी ना होगा। क्या कहता है कि बाबू हनुमान प्रसाद सब्जी के बारे में इतना जानते हैं जितना कोई पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर डाक टिकट के बारे में उसको नॉलेज नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लाई का भेंट कीजिए। अब क्या है लोग कहता है ये सब्जी के बारे में इतना हम लोग को बताते हैं, इनको हम लोग ताजमहल गिफ्ट में भेंट करेंगे, तो वे बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झावा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके सहृदय मित्र माने जा सकते हैं। अब अगर तुम उसको हनुमान प्रसाद को ताजमहल गिफ्ट करोगे तो वो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, मगर मेथी का एक बंडल साग अगर उनको दे दोगे तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब सब्जी से वो इतने अटैच है, इतना मतलब उनको संबंध है सब्जी के साथ जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। किसको? बाबू हनुमान प्रसाद को मित्र माने जा, किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी का फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। अब क्या कहते हैं जो कोई भी अगर सिटी आता जाता है तो वो उसको क्या बोलते हैं एक सब्जी लेके आना मौसमी फल बोले तो मौसमी सब्जी, जैसे सीजनल फल बोलते हैं ना वैसे ही सीजनल वेजिटेबल्स भी होता है, हर सीजन का अलग अलग, उसी को हिंदी में बोलते हैं मौसमी सब्जी। मौसमी फ्रूट को क्या हो सीजनल फल और सीजनल वेजिटेबल्स को मौसमी सब्जी। अब क्या है फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। सामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अब क्या है लेखक बाय मिस्टेकली बाबू हनुमान प्रसाद के पास बोल दिए क्या तो हम लखनऊ जा रहे हैं। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले अरे भाई वर्मा साहब आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूलगोभी लेते आइएगा, अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं है, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। अब लेखक के मुंह से, लेखक उनके पास बातचीत दोनों दोस्त थे बाबू हनुमान प्रसाद और लेखक, लेखक के मुंह से जैसे ही निकला कि हमको लखनऊ जाना है, उनके मुंह से ये बात निकलता नहीं है कि हमको लखनऊ जाना है, बस ये तुरंत उसको फरमाइश कर देते हैं कौन हनुमान प्रसाद जी जो लखनऊ से हमारे लिए 4 गोभी का फूल लेके आइएगा, अच्छा फूल मिलता है, 2-2 आने में अच्छे फूल मिलते हैं। अब क्या है वो फटाक से बोल देते हैं लेखक को कि हम आप लखनऊ से हमारे लिए गोभी का फूल लेते आइएगा, गोभी का फूल लेसन का नाम गोभी का फूल, अब देख लेते आइएगा। अरे भाई हाँ लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 गोभी का फूल लेते आइएगा, अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। अब क्या है ये प्राइस भी बता देता है कि 2-2 आने में अच्छे फूल गोभी मिलते हैं लखनऊ में, सो आप लेते आइएगा। मैंने हाँ या ना कहा हो इसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दिए। अब क्या है कि ये लेखक जो है सो हाँ हम ला देंगे या नहीं ला देंगे, इनके मुंह से आंसर भी नहीं निकला तब तक पॉकेट से 50 पैसा निकाल कर लेखक के हाथ में दे देते हैं। ये क्या हुआ, ज़बरदस्ती हुआ ना, ऐसा नहीं करना, पहले पूछना फिर रिक्वेस्ट करना अगर आपसे हो सकता है, पहला नंबर तो ऐसा बोलना ही नहीं, कुछ अर्जेंट रहे तो रिक्वेस्ट करना कि हाँ आप हमको ये हेल्प कर सकते हैं आप ला सकते हैं, तो अगर वो हाँ बोले तो पैसा देना। ये क्या है
इन लेखक के मुंह से निकला कि हम लखनऊ जाएंगे, बस ये तरह तरी उनको दे रहे हैं कि पहले क्या बोले, अरे लखनऊ में बहुत फ्रेश गोभी मिलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है, दो आने में चार मिलता है, अरे आप लेते आइएगा, फिर पैसा हाथ में पकड़ा देते हैं और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदे हैं कि नहीं, फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा। अब क्या है, पहला तो बोलते हैं लखनऊ से गोभी लेके आने के लिए, दूसरा पैसा पकड़ा देते हैं, जब पैसा पकड़ा देते हैं तब वो क्या कहता है कि देखो फूल जो लेना ना, तो वो फूल जो है सो गठा होना चाहिए, गठा बोले तो बहुत सटा हुआ एक होता है ना देखने में, वैसा लेना, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है, एक फैला हुआ जो रहता है वो जल्दी खराब हो जाता है, और देखिए अक्सर उस पर झाइयाँ पड़ जाती है या न रहे, बहुत से गोभी वाले पत्ते निकल लेते हैं, वे पत्ते न निकालने पाए। अब क्या है, बेचारे को परेशानी पे परेशानी, अब क्या बोलता है, पहला तो गोभी गठा होना चाहिए, दूसरा क्या बोलता है, झाइयाँ नहीं बोले तो दूसरा कलर का, ब्लैक हरी ग्रीन कलर वाला नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या बोलता है, जो देखिए गोभी ऐसा लीजिएगा जिसका पत्ता निकाल लेता है, पत्ता रहना चाहिए, वे पत्ते ना निकाल पाए, पूरी गोभी लीजिएगा, जो कैलोरी होती है पत्तों में वह फूल में तो होती ही नहीं। अब क्या कहते हैं कि पत्ता नहीं निकाले, गोभी लीफ के साथ कैलीफ्लावर लीफ वाला होना चाहिए, क्योंकि जितना भी विटामिन होता है वह पत्तों में लीफ में ही होता है, पत्तों में, पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, विटामिन पत्ता में, वो उसका डंठल, उसका जो रीढ़ होता है वो अचार में बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ही ना होगी, लौट कर आइए तो खिलाऊं, जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्ची डालकर खाए तो देखे लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। अब क्या है कि अब वो बेचारा कुछ भी आंसर नहीं दे रहा, आप गोभी के बारे में बता रहा है, कैसा गोभी ले रहा, गठीला होना चाहिए, उस पर कोई कलर नहीं होना चाहिए, पत्ता रहना चाहिए, क्योंकि पत्ता में विटामिन होता है, डंठल से अचार बनता है, आप कभी नहीं खाए होंगे, आप आओगे तो हम आपको खिलाएंगे, एक पाँच मिनट गर्म पानी, उसमें गर्म पानी डालकर नमक डालकर बॉयल करके खाएंगे तो आप भी रेड कलर के हो जाएंगे। इस तरह से वो उनको परेशान, मतलब एक से एक जवाब दे रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में।